हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा अड्डा 24/7 के राजस्थान के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं मैं बता दूँ, आज राजस्थान दिवस पूरे राजस्थान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और 73वां राजस्थान दिवस जो है संपूर्ण राजस्थान में आज मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले राजस्थान की उस गौरवशाली इतिहास के साथ में आज राजस्थान दिवस के स्पेशल क्लास में महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज जिसे हम कहते हैं, उनके साथ आज की ये क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को अपने को शेयर कर दीजिए, जिन लोगों तक हमारा ये प्रयास नहीं पहुंच पा रहा है उन तक हमारा ये प्रयास पहुँचाने की आप लोग कोशिश कीजिए। और सभी का गम्मा खनी जी, सभी का स्वागत है, जय मरुधरा, जय कुलधरा, सभी का स्वागत भाई। राजस्थान की अपनी इस पावन धरा के सभी पावन प्रतियोगियों को अड्डा 24/7 का सलाम और राजस्थान की इस यूट्यूब चैनल पर उनका मैं स्वागत करता हूँ। अवनी सिंह जी, पूजा प्रजापत, अर्जुन लाल, मोनू जी, सब हम लोग हमसे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो सोनेरी धरती अटे, चांदी रो आसमान, रंगी रंगीलो गणों से रिलो प्यारो राजस्थान। राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद यही है कि आने वाला जो 74वां राजस्थान दिवस है वो आप सब लोग अपने अपने शिक्षण संस्थानों में मनाए, बच्चों के साथ मनाए। अड्डा 24/7 का यही पैगाम, यही सुभाशीष मैं आप लोगों को प्रेषित करना चाहता हूँ। नमस्ते भाई, सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास है इसकी हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि थंबनेल से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज की जो अपनी क्लास है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की क्लास है जिसे हम शुरू करने वाले हैं। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के वो शासक जिन्होंने मुगल संघर्षों को चुनौती देते हुए स्वतंत्रता के इस बंधन को बचाए रखने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, उन महाराणा प्रताप को आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। और राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन हो, महाराणा प्रताप से संबंधित एक प्रश्न जो है वो हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग पूछा जाता है और पढ़ाया भी जाता है। राम राम सर, सभी को राम राम। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। सबसे पहले इनका जो सामान्य परिचय है वो मैं बताना शुरू कर दूं कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उनका नाम था महाराणा उदय सिंह। और उदय सिंह जी मेवाड़ के जो राजा बने, अच्छा एक बात और सुन लेना, राजस्थान में अलग अलग राजवंशों के राजाओं को अलग अलग उपनामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। जैसे आप कभी मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो मेवाड़ के इतिहास में आपको दो ही प्रकार के राजा मिलेंगे, एक तो वो राजा मिलेंगे जिनके नाम के आगे रावल लगा हुआ रहेगा और एक वो राजा मिलेंगे जिनके नाम के आगे राणा या महाराणा लगा हुआ रहेगा। कभी इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो मेवाड़ में दो राजपूत राजवंशों ने शासन किया, एक तो शासन किया गुइल वंश ने, एक शासन किया सिसोदिया वंश ने। गुइल वंश की जो शाखा थी वो रावल वंशीय शाखा थी, सिसोदिया वंश की जो शाखा थी वो राणा वंशीय शाखा थी। और ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के शासक हुए हैं इसलिए इनके नाम के आगे महाराणा लगा हुआ है सब। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कहानी आज से अपनी इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं और शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे महाराणा उदय सिंह जी। बड़े ध्यान से सुनना और मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे कि महाराणा उदय सिंह जी मेवाड़ के राजा थे 1537 से लेकर 1572 तक, 16वीं शताब्दी के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं उदय सिंह जी भी। सबसे पहला प्रश्न है कि ये जो उदय सिंह जी थे, उदय सिंह जी की थी तीन रानियां, ठीक है? उदय सिंह जी की कितनी प्रमुख रानियां थी? तीन रानियां। यहीं से महाराणा प्रताप का बाल्यकाल शुरू होता है कि उदय सिंह जी के कितनी रानियां थी? तीन रानियां। रुक जा करोली, राम राम, बिल्कुल स्वागत है। प्रश्न पूछूंगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। उदय सिंह जी के तीन रानियां थी। पहली जो रानी थी दोस्तों, उदय सिंह जी की पहली रानी का नाम था रानी
जयवंता भाई, उदय सिंह जी की जो पहली रानी थी, रानी का नाम था रानी जयवंता भाई। उदय सिंह जी की जो दूसरी रानी थी, नाम था रानी सहजोबाई या सज्जाबाई। रानी सहजोबाई या सज्जाबाई। और उदय सिंह जी की जो तीसरी मुख्य रानी थी, रानी का नाम था रानी धीरबाई बटियाणी। तो रानी धीरबाई बटियाणी। और अब प्रश्नों का दौर शुरू होने वाला है, फटाफट कमेंट करके बताना शुरू करना। देखिए देखिए विद्वानों, महाराणा उदय सिंह जी का कार्यकाल हमने पढ़ा 1537 से 1572 तक। उदय सिंह जी के तीन रानियां थी, रानी जयवंताबाई, रानी सहजोबाई, रानी धीरबाई बटियाणी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रानी जयवंताबाई थी, ये थी पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री। पाली के शासक थे और जो पाली के शासक थे अखेराज सोनगरा, पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री थी रानी जयवंताबाई। तो पाली के शासक अखेराज सोनगरा जी की पुत्री जयवंताबाई। दूसरा, रानी सहजोबाई के बारे में बात करेंगे। तो रानी सहजोबाई या सज्जाबाई जो थी, ये थी टोडा के राव सोलंकी की पुत्री। टोडा के राव सोलंकी की पुत्री। बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने में आज की इस क्लास में। बिल्कुल तारतम्यता के साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे उन तक अपने सेशन को शेयर भी कीजिए। और अड्डा 24/7 राजस्थान का अपना जो यूट्यूब चैनल है, इससे प्रत्येक व्यक्ति को अवगत करवाने की कोशिश भी कीजिए। तो रानी धीरबाई बटियाणी, और ये थी जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की पुत्री। जैसलमेर शासक लूणकरण भाटी की पुत्री। और अब बड़ी गहनता से इस पूरी पृष्ठभूमि को सुनना शुरू कीजिए। देखिए विद्वानों, बड़े ध्यान से सुनना। उदय सिंह जी के तीन रानियां थी, रानी जयवंताबाई, रानी सहजोबाई, रानी धीरबाई। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक तो रानी इस प्रकार से लिखते हैं हम, और एक रानी इस प्रकार से लिखते हैं, दोनों में अंतर है। ऊपर वाली रानी का मतलब तो है राजा की पत्नी, रानी क्वीन जिसे कहते हैं। और ये जो रानियां हैं, ये उपाधियां हैं, और उपाधियां हमेशा नाम के पहले लगती है। तो ये रानी जयवंताबाई, ये सहजोबाई, ये रानी धीरबाई बटियाणी। अब सुनिएगा, घटना ये घटी विद्वानों कि ये जो जयवंताबाई थी, इनके पुत्र का नाम था प्रताप। और प्रताप ज्येष्ठ पुत्र था उदय सिंह का। जो ज्येष्ठ पुत्र था वो कौन था? प्रताप। रानी सहजोबाई का इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था शक्ति सिंह, आएगा नाम आगे, और एक का नाम था वीरमदेव। तो एक का नाम शक्ति सिंह था और एक का क्या नाम था? वीरमदेव। और ध्यान रखना कि रानी धीरबाई बटियाणी का जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था जगमाल। अब यहाँ पे प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, बड़ी तल्लीनता से सुनना और कमेंट करके जवाब देना शुरू करना। देखिए विद्वानों, जयवंताबाई के पुत्र का नाम प्रताप, जो सबसे बड़ा पुत्र था उदय सिंह का। सहजोबाई के पुत्र के दो पुत्र थे, एक शक्ति सिंह, एक वीरमदेव। और धीरबाई बटियाणी के जो पुत्र थे, उनका नाम था जगमाल। अब आपने पढ़ा होगा इतिहास में, वही प्रश्न पूछने वाला हूँ। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादातर गलत ही आंसर दोगे, सही आंसर देने की कोशिश करना है। प्रश्न ये है मेरा कि जैसे आपसे पूछ ले कि साहब, उदय सिंह जी ने मरने से पहले अपने सबसे छोटे पुत्र जगमाल को अपना क्या घोषित कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उत्तराधिकारी का मतलब समझते हो कि जीते जी जिस व्यक्ति को राजा बनने के लिए घोषित कर दिया जाए, वो उत्तराधिकारी कहलाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, उत्तराधिकारी घोषित किया, आप कहीं भी पढ़ रहे हो अगर किसी भी इतिहास में लाइन, बहुत मेहनत करते हो सर आप। अरे बिल्कुल आमिर खान जी, मेहनत का प्रतिफल हमेशा सकारात्मक ही होता है। चलिए दोस्तों, आपसे पूछ ले कि उदय सिंह जी ने मरने से पहले अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। आप कभी भी इतिहास में पढ़ो ना कि फला राजा ने फला व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया, तो तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि दाल में कुछ न कुछ काला है।
क्योंकि जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है वो राजा का बड़ा पुत्र नहीं है, क्योंकि बड़े पुत्र को कभी भी उत्तराधिकारी घोषित करने की नौबत नहीं आती, वो जन्मजात उत्तराधिकारी होता है। तो आप कभी भी पढ़ो किताब में कि फला राजा ने फला व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया, तो तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है वो व्यक्ति या तो कोई छोटा पुत्र है या और कोई रिश्तेदार है जिसको उत्तराधिकारी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब मेरा प्रश्न यह है, एक बार वापस कोटेशन समझा देता हूँ कि उदय सिंह जी के तीन रानियाँ थी, सबसे बड़ी रानी जयवंताबाई, उनसे छोटी सहजोबाई, उनसे छोटी धीरबाई। जयवंताबाई जी पाली के शासक अकेराज सोनग्रह की पुत्री, सज्जाबाई जी टोडा के राव सोलंकी की पुत्री और धीरबाई भटियाणी जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की पुत्री थी। जयवंताबाई के पुत्र का नाम प्रताप, जो सबसे बड़े पुत्र थे। सहजोबाई के दो पुत्र शक्ति सिंह और वीरमदेव, और धीरबाई भटियाणी के पुत्र का नाम था जगमाल। और उदय सिंह जी ने मरने से पहले अपने सबसे छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि उदय सिंह जी धीरबाई भटियाणी से अत्यधिक प्रेम किया करते थे और धीरबाई भटियाणी ने उदय सिंह जी को अपने वश में अपनी बात मनवाने के पक्ष में कर रखा था। और धीरबाई भटियाणी ने बड़ी कुटिलता से, बड़ी चालाकी से अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया। अब मेरा प्रश्न है, कुर्सी की बेटी मान लीजिए और फटाफट कमेंट करना है। देखिए मेरा प्रश्न यह है कि दोस्तों सर आप यार रवि कुमार जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। कार्तिक मीणा जी करौली तकदीर के खेल से नाराज नहीं, अरे वाह क्या बात है। चलिए प्रश्न का उत्तर देना शुरू कीजिए, प्रश्न का उत्तर देना शुरू कीजिए कि उदय सिंह ने मरने से पहले अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन फिर भी उदय सिंह जी के मरने के बाद में जगमाल मेवाड़ का राजा नहीं बना और मेवाड़ का राजा बना प्रताप। बताओ क्यों, कौन बताएगा? देखा वाकई में वही व्यक्ति बता पाएगा जिसने ढंग से इतिहास पढ़ा है। उदय सिंह जी ने मरने से पहले जो है अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन फिर भी जगमाल मेवाड़ के राजा नहीं बने और मेवाड़ के राजा बने प्रताप। बताओ क्यों, कौन बताएगा? देखिए फटाफट कमेंट करना शुरू कीजिए, फटाफट बताना शुरू कीजिए। देखें कौन आंसर देगा, कैसा क्यों हुआ, प्रताप राजा कैसे बन गया, जगमाल था उत्तराधिकारी। तो गुरुजी राम राम धौलपुर से, बिल्कुल राम राम रवि कुमार जी, स्वागत है आपका। बताओ देखें कौन बताएगा सबसे पहले कि उदय सिंह ने सलूमबर्गे सामंत, अच्छा प्रीति परेख जी बता रहे हैं सलूमबर्गे सामंत कृष्णदास चूड़ावत ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके बनाया ये बात, क्योंकि जगमाल लोकप्रिय और उत्तरदायित्व शासक नहीं था, महाराणा प्रताप उत्तरदायित्व अच्छी तरह से संभाल सकते थे। क्या बात है, माई तेजा जी गए सलूमबर्गे सामंत कृष्णदास ने अपना विशेष, बिल्कुल समझ गया मैं। कार्तिक मीणा जी जनता में लोकप्रिय प्रताप, लव करोली जी क्योंकि वो प्रतापी राजा था। पूजा प्रजापत जी कृष्णदास चूड़ावत ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किया। सुनील कोटपुतली जय गुलदरा करोली, सरदारों ने जगमाल को स्वीकार नहीं किया। क्या बात है यार, गजब के आंसर दे रहे हो, मतलब अपने बुद्धि कौशल का तो प्रयोग कर ही रहे हो आप लोग, क्योंकि वो उत्तराधिकारी के लायक नहीं था। हंसराज गुजर जी कह रहे हैं, ऋषभ चौधरी जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है, सबका नमस्कार स्वीकार किया जाता है। और अब सुनो इस प्रश्न का राइट आंसर, वहां के सरदारों ने प्रताप को काबिल नहीं समझा। अरे दोस्तों अब सुनिए आंसर, देखो हुआ क्या कि जब उदय सिंह जी की मृत्यु हुई तो उदय सिंह जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले जाया जा रहा था। इधर परंपरा थी कि जब कोई राजा का देहांत हो रहा है उसका अंतिम संस्कार होगा तो अंतिम संस्कार के तुरंत बाद में अगले राजा का राज्याभिषेक होगा, क्योंकि राजगद्दी कभी भी सूनी नहीं रह सकती है, राजगद्दी को कभी सूनी नहीं रखा जा सकता। इसलिए जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए उनको शमशान में ले जाया जा रहा था तो महाराणा प्रताप वगैरह, महाराणा प्रताप के मामा जीमान सिंह सोनग्रह, सलूमबर्गे सामंत कृष्णदास चूड़ावत, कई लोग शमशान में जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए। तो उसी समय दूसरी तरफ जगमाल का राज्याभिषेक करने की तैयारियां चल रही थी मेवाड़ में, गोगुंदा में। तो उसी समय क्या हुआ, घटना ये घटी विद्वानों
कि प्रताप के जो मामा जी थे मानसिंह सोनग्रा, उन्होंने कहा कि उदय सिंह जी ने जो है जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन जगमाल तो लायक ही नहीं है राजगद्दी के, जनप्रिय सेवाभावी योग्य शक्तिशाली वीर जो व्यक्ति है वो तो प्रताप है, तो ये तो गलत हो रहा है साहब मेवाड़ में। अब कृष्णदास चोड़ावत जी ने कहा कि गलत हो रहा है तो क्या किया जाए। तब मानसिंह सोनग्रा जो प्रताप के नाना जी थे उन्होंने कहा कि गलती को आप सुधार सकते हो, कैसे? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक का पोर्शन आपने बाद में लिख लेना पोस्ट करके, मैं आपको बता देता हूँ कि महाराणा लाखा के काल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तुक्का जीवन में कभी नहीं लगाना। महाराणा लाखा के काल में आपने पढ़ा होगा कि लाखा के पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा, और ये वही कुंवर चूड़ा है जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए मेवाड़ के राज सिंहासन का त्याग कर दिया था। और मेवाड़ का राज सिंहासन का त्याग तो किया जो किया, बल्कि बिल्कुल सही कह रहे हो, गांव गदोली। हाय दोस्त, गुड इवनिंग, अरे वाह साहब। देखो लाखा ने क्या किया कि लाखा के काल में कुंवर चूड़ा ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और जीवन भर विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली, और पिता की खुशी के लिए बेचारा कुंवर चूड़ा बन गया भीष्म पितामह। अब राजगद्दी का जब त्याग कर दिया, क्योंकि शर्त रखी गई थी कि मारवाड़ की राजकुमारी जो अंसाबाई थी उसका विवाह अच्छा रहती कहाँ, ये बात मेवाड़ का भीष्म पितामह। चलो बताओ, देखें प्रश्न पूछ लेता हूँ यहाँ पर, एक थोड़ा सेशन को रोक के दो तीन प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि बताओ मेवाड़ का भीष्म पितामह, तो हम कहते हैं कुंवर चूड़ा को, किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को। बताओ विद्वानों, मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है? बड़ा शानदार प्रश्न है, बताना है मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन लिख रहा हूँ, कमेंट करके बताना शुरू करना। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन है भामाशाह, और चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है भामाशाह, और चौथा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप मान लो रतन सिंह चूड़ावत। कमेंट करके बताना शुरू करो। देखें इन चारों में से किस व्यक्ति को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा कितने पानी में और कितना पड़ रखा है। मेवाड़ का भीष्म पितामह तो कुंवर चूड़ा को कहते हैं, बताओ मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? मनीष कुंडारा जी बोल रहे हैं महाराणा प्रताप, ज्योति गोस्वामी जी ये बता रहे हैं, लव कुमार जी से बता रहे हैं, मनीष जी ये बता रहे हैं, जय भोलेनाथ जी बता रहे हैं, इसके बाद ज्योति गोस्वामी जी प्रताप बता रहे हैं, विक्रम शर्मा जी प्रताप बता रहे हैं, सुनील कोटपुतली भामाशाह झंडे के साथ बता रहे हैं, प्रीति पारिक जी भामाशाह, मेवाड़ का प्रताप प्रताप प्रताप, हाँ रक्षक कह रहे हैं प्रताप को, सौरभ मीणा जी प्रताप बता रहे हैं, जय भोलेनाथ डी बता रहे हैं, लव जी सी बता रहे हैं, कविता मीणा भामाशाह बता रहे हैं, सिंह साहब ए बता रहे हैं। क्या गजब के आंसर दे रहे हो यार, दिल गदगद कर दिया आप लोगों ने तो, क्या गजब के आंसर दे रहे हो, मजा आ गया है। गलत आंसर दे रहे हो, कविता मीणा जी बता रहे हैं भामाशाह। अब देखो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, सर आपने मुझे पढ़ाया, अरे बिल्कुल साहब, डी बता रहे हैं सही बता रहे हैं। अब सुन लो ढंग से, देखो जी कुछ लोग मेवाड़ का रक्षक बता रहे हैं महाराणा प्रताप, लेकिन आंसर गलत है। अरे महाराणा प्रताप तो मेवाड़ के राजा थे, और मेवाड़ के राजा का तो नैतिक दायित्व बनता है अपने सल्तनत की रक्षा करने का, अपने सल्तनत को बचाने का। तो महाराणा प्रताप का तो कर्तव्य था, नैतिक दायित्व था कि मुगल सल्तनत काल से, अकबर के संघर्ष से, अकबर के विरोध से मेवाड़ को कैसे बचाना है, इसके लिए प्रयास करना तो प्रताप का नैतिक दायित्व था। अरे अगर मेवाड़ का रक्षक पूछ ले तो भामाशाह और प्रताप अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो कभी महाराणा प्रताप को पहले डंबर पे टिक नहीं करना, राइट आंसर आएगा भामाशाह। क्यों? क्योंकि भामाशाह ने अपनी पूरी धन दौलत प्रताप को दे दी थी, तब जाके प्रताप ने सेना का गठन किया, और मेवाड़ के जिन जिन दुर्गों पर अकबर ने अधिकार कर रखा था उन दुर्गों को अकबर से आज़ाद करवाने की कोशिश की। तो ऐसा व्यक्ति जो आपकी सहायता करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तो उत्तर आएगा सी। ये बहुत कठिन प्रश्न है, ध्यान देते हुए समझना था कि मेवाड़ का रक्षक
कभी भी हम भामा शाह कभी भी महाराणा प्रताप को नहीं कहेंगे, मेवाड़ का जो है रक्षक किसको बताएंगे हम, भामा शाह को। कभी प्रताप सौरभ मीणा जी कह रहे हैं मेवाड़ का उद्धारक है सर भामा शाह, गलत बता रहे हो सौरभ जी, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं अमीर सिसोदिया को। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, अमीर सिसोदिया को कहा जाता है। और अगर अमीर सिसोदिया ऑप्शन में नहीं आएगा तो भी टिक करते हैं भामा शाह को, ये ध्यान रखना। तो मेवाड़ का उद्धारक कौन है, अमीर सिसोदिया। अच्छा एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, बताओ विद्वानों, मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन देता हूँ चार प्रश्न पूछ रहा हूँ, शानदार प्रश्न है कि मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन महाराणा कुंभा, दूसरा ऑप्शन महाराणा सांगा, तीसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप और चौथा ऑप्शन महाराणा राज सिंह। सोच समझ के जवाब देना कि किस व्यक्ति को मेवाड़ केसरी कहा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताना शुरू करो। मेवाड़ केसरी कौन है, किसे कहते हैं, हमने तो तीन ही बताया था, बिल्कुल जिन्होंने तीन बताया वो सही है। गजब गजब बता रहे हो साहब, लव करोल जी बता रहे हैं विजय सिंह को, गलत यार। भूपेंद्र पटेल जी आपसे ऑफलाइन पढ़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका। सौरभ मीणा जी प्रताप बता रहे हैं, भूपेंद्र पटेल जी कुंभा बता रहे हैं, प्रीति पारिक महाराणा प्रताप, माई तेजा सिंह बता रहे हैं, वेरी गुड। नवल मावर जी से बता रहे हैं, भूपेंद्र पटेल जी प्रताप बता रहे हैं, सोनिल कोटपुतली प्रताप बता रहा है, लव जी भी बता रहे हैं, भूपेंद्र पटेल प्रताप बता रहे हैं, माई जी से बता रहे हैं, मनीष कुंडारा जी तीन बता रहे हैं इसमें। देखो जी विद्वानों, अगर मेवाड़ केसरी पूछेगा तो राइट आंसर आएगा मेरे दोस्तों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को कहा जाता है मेवाड़ केसरी, और नोट डाउन कर लेना, केसरी केसरी कई लोग राजस्थान की जीके में, अगर पूछ ले कि राजस्थान केसरी किसे कहते हैं तो राजस्थान केसरी तो कहते हैं केसरी सिंह बारहट को। केसरी सिंह बारहट को कहा जाता है राजस्थान केसरी। प्रश्न आ जाए मेवाड़ केसरी कौन तो प्रताप, प्रश्न आ जाए कि मरू या मारवाड़ केसरी किसे कहते हैं तो मरू या मारवाड़ केसरी कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को। किसे कहते हैं, दुर्गादास राठौड़। तो मरु केसरी या मारवाड़ केसरी किसे कहते हैं, दुर्गादास राठौड़ को। तो ये ध्यान रखना है, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारहट, और मरु या मारवाड़ केसरी किसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था सी, बिल्कुल जिन लोगों ने सी बताया वो धन्यवाद के पात्र है। अच्छा एक प्रश्न और पूछता हूँ पहले कि बताओ निम्न में से किस शासक ने, निम्न में से मेवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, निम्न में से किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वह कौन सा मेवाड़ का राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ऑप्शन देखो सब, पहला ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, बी महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताना शुरू कीजिए। देखें प्रश्न बड़ा गंभीर है, बहुत ढंग से जीके पढ़नी पड़ेगी इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। निम्न में से मेवाड़ का वह कौन सा राजा, प्रीति पारी जी कह रहे हैं बारमल। अरे क्या कह रहे हो प्रीति पारी जी, क्या आंसर दे रहे हो आप, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहे हो, वेरी गुड सौरभ मीणा जी, वेरी गुड, लेकिन गलत बताए, वेरी गुड इसलिए क्योंकि बार बार आपका कमेंट ही नज़र में आ रहा है, तो नज़र में रहने के लिए वेरी गुड। विक्रम शमरा जी अमर सिंह बता रहे हैं, प्रीति पारिक सी बता रही है, संजना जाकर अमर सिंह जी बता रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। राजस्थान दिवस पर राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बिगेस्ट सरप्राइज, राजस्थान अड्डा का माप एक जो है कि एक बड़ी बचत के सामने आपके सामने उपस्थित है, तो आप यहाँ पर जाकर अपने कोर्स परचेज कर सकते हो भाई, बिल्कुल सीमित समय के लिए ऑफर रखा गया है। महाबचत पे एक राजस्थान दिवस के उपलक्ष में
अच्छा, कमेंट बड़े तेजी से चल रहे हैं साहब, सी बता रहे हैं सब लोग, इनमें से कोई नहीं बता रहे हैं, माई तेजा जी सी बता रहे हैं। देखो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्या बता रहे हो, आपको पता ही नहीं है, मन में जो ये आंसर दे रहे हो हैं, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा, गलत बता रहे हो। सुनील कोटपतली जी कह रहे हैं, उदय सिंह ने शेरशाह सूरी के अधीनता स्वीकार की जबकि अमर सिंह ने अकबर की। अरे यार सुनील जी गलचा खा गए यहाँ पे। देखो दोस्तों बड़ा शानदार प्रश्न था, और थोड़ा इजी कर देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अकबर दिल्ली का सुल्तान कब से कब तक बना, तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर बना था दिल्ली का सुल्तान। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उदय सिंह जी राजा कब से कब तक, 1537 से 1572 तक, प्रताप 1572 से 97 तक, अमर सिंह 97 से 1620 तक, ठीक है। और ध्यान रखना चौथा इनमें से कोई नहीं है, यही सही। अब देखो कितना गलत पढ़ रखा है आपने, अमर सिंह ने जहांगीर की थी, रविनाम मीणा जी ने अब जाके राइट आंसर दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा डी। अरे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, डी। अकबर कितना ही शक्तिशाली राजा हुआ हो लेकिन मेवाड़ के किसी भी शासक को अपने अधीन नहीं कर पाया था। देखो अकबर 1556 से 1605 तक मेवाड़ का राजा था, और अकबर के समकालीन कितने राजा हुए थे मेवाड़ में, तीन, पहला उदय सिंह, दूसरा प्रताप, तीसरा अमर सिंह। और विद्वानों आपने पढ़ा है कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अपने सेनापति आसफ का को लेकर, तो राजा थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी चित्तौड़ छोड़ के गोगुंदा चले गए थे, जीवन भर वहीं रहे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो उदय सिंह जी ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ते ही हैं कि प्रताप ने जंगलों में रहकर घास फूस की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। और तीसरे थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी के काल में 1605 में अकबर मर गया। अरे अमर सिंह जी ने अधीनता स्वीकार की थी जहांगीर की, अमर सिंह ने जहांगीर के साथ में 1615 में की थी मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि। और अमर सिंह जी ने अकबर की नहीं जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। तो अकबर कितना ही शक्तिशाली राजा हुआ हो लेकिन मेवाड़ के किसी भी, सिंह साहब क्या कह रहे हैं, बारमल ने की थी अरकुबाई के पिता, बिल्कुल की थी लेकिन मेवाड़ की थोड़ी, तो दोस्तों वो तो आमेर के राजा थे। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मेवाड़ मेवाड़ मेवाड़। तो मेवाड़ के किसी भी राजा को अकबर अपने अधीन नहीं कर पाया। अकबर कितना ही शक्तिशाली राजा हुआ हो, अकबर ने कितने युद्ध जीते हो जिंदगी में, लेकिन मेवाड़ के किसी भी राजा को अकबर अपने अधीन नहीं कर पाया। अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की है लेकिन अकबर की नहीं जहांगीर की। 1615 में हुई थी प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा डी कि अकबर कितना ही शक्तिशाली राजा हुआ हो लेकिन मेवाड़ के किसी भी शासक को अपने अधीन नहीं कर पाया था अकबर। अगली बात समझ में, तो नोट डाउन कर लेना इस प्रश्न को, बहुत गलत आंसर बताए आपने। चलो साहब एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, लिख के जवाब देना है, पहले कंडीशन समझो। देखो दोस्तों एक प्रश्न है कि मान लो ये राजस्थान है हमारा, महाराणा प्रताप पढ़ाने से पहले बेसिक जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, ये राजस्थान है हमारा, और राजस्थान में यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत, यही तो है दिल्ली, और ये दक्षिणी राजस्थान का जो पोर्शन है ये मेवाड़ है, ये क्या है, मेवाड़, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न पहले पूछता हूँ इसको पढ़ाने से पहले, बताओ निम्न में से, प्रश्न बड़ा शानदार है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र, इसको समझाने से पहले एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मेवाड़ में, मेवाड़ में सम्मिलित नहीं था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मेवाड़ में सम्मिलित नहीं था। प्रश्न को आगे खोल के पढ़ना और अब प्रश्न का उत्तर देना, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मेवाड़ में सम्मिलित नहीं था। पहला ऑप्शन है राजसम्बंद, दूसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। आगे खोल के जवाब दो, देखिए हम जी के पढ़िए ना आपने, बताओ देखें,
निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो मेवाड़ में नहीं आता था, कमेंट करके बताओ। देखिए कौन सा क्षेत्र है जो मेवाड़ में नहीं आता था। सरेगसा क्यों कहा जाता है? सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्ज्वल होते। बिल्कुल, ये कथन पढ़ते हैं कि सांगा और प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह राजा न होता, डायरेक्ट सांगा के बाद प्रताप राजा बनता, तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाता। बिल्कुल समझाऊंगा दोस्त, पढ़ूंगा जब। प्रश्न का आंसर दो पहले, क्योंकि उदय सिंह इतना शक्तिशाली नहीं था। बांसवाड़ा। अरे वाह क्या बात है, सभी लोग राइट आंसर दे रहे हो। बांसवाड़ा 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 बांसवाड़ा, डी 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 डी। अरे वाह भाई, पढ़ने वाले विद्यार्थी आप तो, तहे दिल से शुक्रिया, सबने राइट आंसर बताया है। देख लो विद्वानों, इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि मेवाड़ नाम आते ही कई लोगों के दिमाग में बात आती है, बोले मेवाड़ का मतलब तो उदयपुर संभाग हो गया ना, उदयपुर संभाग में जो 6 जिले आते हैं वही मेवाड़ कहलाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, उदयपुर संभाग में जो 6 जिले आते हैं वो मेवाड़ नहीं कहलाते हैं। मेवाड़ जब भी आएगा तो दिमाग में सबसे पहले तो नाम आता होगा आपके चित्तौड़गढ़ का। इसका नाम आता है चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद फिर नाम आता होगा उदयपुर का, ठीक है। फिर हल्दीघाटी युद्ध पढ़ते हो तो नाम आता है राजसंबंध का, ठीक है। फिर चौथा जो नाम आता है वो चित्तौड़ उदयपुर राजसंबंध। इसके बाद एक नाम आता होगा आपके दिमाग में, भीलवाड़ा, क्योंकि मांडलगढ़ का जो किला था वो भीलवाड़ा में ही था। और भीलवाड़ा भी किस में आता है? इस चित्तौड़ में, इसमें मेवाड़ रियासत में आता था। और एक जिला आपने पढ़ा होगा प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ जिला है वो भी किसका भाग था? मेवाड़ का। बस ये 5 जिले ही थे, ये 5 जिले ही थे जो मेवाड़ रियासत को क्रिएट करते थे पूरी को मुख्य रूप से। और वो कौन से 5 जिले थे तो मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बताया कि चित्तौड़गढ़, यहाँ जिले थे 5 कि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर आता है भीलवाड़ा। फिर इधर आओगे तो नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर, उदयपुर के आगे राजसंबंध। ये 5 जिले थे, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसंबंध। बस इन 5 जिलों के क्षेत्र को मेवाड़ कहते थे। और ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, नीचे 2 जिले आ रहे हैं ना, ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा हो गया, और ये बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर हो गया। और डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवाड़ में नहीं आते थे, ये तो क्षेत्रीय लगता वागड़ क्षेत्र। अरे कौन सा क्षेत्र था? ये तो वागड़ क्षेत्र था। तो मेवाड़ में कौन सा जिला नहीं आएगा? बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के साथ मिलकर एक अलग ही क्षेत्र बनाता था। और वो क्षेत्र कौन सा था? वागड़ क्षेत्र हुआ करता था, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा सर जी, क्या बात है। अब प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, जो प्रश्न मुझे पूछना था वो पूछ रहा हूँ। देखो मान लो ये साहब राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, कौन सी सल्तनत थी? दिल्ली। और यहाँ पर था मेवाड़, कौन सी से रियासत हुआ करती थी? मेवाड़। और अब मेरा प्रश्न बहुत सीधा, ठीक है, ऑप्शन दूंगा इधर प्रश्न पूछने के बाद में, कि मेरा बड़ा सीधा प्रश्न है। सबसे पहले हमने ही बताया था जयपुर डायरी जी कह रहे हैं, अरे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप, बिल्कुल इसका मतलब ढंग से जीके पढ़ रखी है आपने। और रीट की परीक्षा में अगर पास होना है ना आपकी बार, तो जीके को उधेड़ के पटक देना है, जीके ढंग से याद होनी चाहिए। इसमें लेवल फर्स्ट में, लेवल टू में, जिन्होंने जीके कभी पढ़ी नहीं जिंदगी में, उनको बड़े ढंग से, बड़े आराम से, बड़ी गहनता से पढ़नी पड़ेगी जीके। अब प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, लिख के बताना। देखे आपने देखा होगा कि दिल्ली का कोई सा भी सुल्तान हो, आपने देखा है कि दिल्ली के सुल्तान ने बार बार इस पर आक्रमण किया है मेवाड़ पर, आपने देखी ये चीज़। जबकि दिल्ली तो बहुत दूर है, मेवाड़ बहुत दूर है, तो दिल्ली में चाहे खिलजी वंश चलाओ, दिल्ली में चाहे तुगलक वंश चलाओ, और दिल्ली में चाहे मुगल वंश चलाओ, दिल्ली के हर सुल्तान ने, भाई खिलजी वंश में तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने किया, मुगल वंश में अकबर ने किया, कई लोगों ने किया। तो एक क्या चक्कर था कि दिल्ली के गद्दी पर जो भी सुल्तान बैठता था वो बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करता था, क्या चक्कर था ये, कौन बताएगा? देखिए
बताओ देखिए चक्कर, मेरे को समझाओ आप तो, ये मानो आप टीचर हो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को समझाओ क्या चक्कर था ये। बागड़ तो सेखा वाटी को कहते हैं, वो बांगड़ कहते हैं दोस्त। सरिता देवी जी कह रहे हैं दो चीज़ें मैं बता देता हूँ, हाँ कन्फ्यूज कभी नहीं होना जिंदगी में। एक तो होता है बांगड़ क्षेत्र, इसको बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं, और एक होता है वागड़ क्षेत्र, ठीक है ना। तो वागड़ क्षेत्र तो कहते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के भूभाग को, और सेकावाटी क्षेत्र में जो नागौरी उच्च भूमि पाई जाती है उसे कहते हैं बांगड़ क्षेत्र। तो यह वागड़ क्षेत्र है अपना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वागड़। सर मैं आपके स्टेटस से ही यूट्यूब चैनल ज्वाइन करता हूँ, क्या बात है भूपेंद्र पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्स्ट फ्री के लिए। वाह देवी समझा रही हूँ मैं, ऐसा ही लिखा गया, क्या बात है, चलो बताओ देखें। अच्छा उत्तर आना शुरू हो गया टेक्स्ट फ्री के लिए, गलत। सर आप हो टीचर तो, कृष्णा जांगिड़ जी कह रहे हैं, अरे क्या बात है सभी टीचर हैं सभी अध्यापक हैं, बताओ फटाफट आंसर, आप ही समझाओ, मैं तो समझाऊंगा ही सही। अड्डा 24 ने इसलिए तो आयर किया है मेरे को कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन मैं कर पाऊं, मैं तो समझाऊंगा ही सही है, आप भी तो बताओ। चलो ये प्रश्न विचारणीय प्रश्न है। अच्छा जय हो गुरु जी, क्या बात है, अटका दिया। हेलो सर, हेलो भाई दोस्तों। अच्छा चलो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, तब बता पाओगे आप। दिल्ली के सुल्तानों ने बार बार मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, इसका क्या उत्तर है। अच्छा सुनील कठपुतली जी कह रहे हैं गुजरात के तट पर पहुंचने के लिए मेवाड़ पर पार करना पड़ता था, और मेवाड़ के राजा उन पर भारी टैक्स लगाते थे। अरे यार सुनील जी क्या बात है, सटीक कारण बताना है, ऑप्शन देता हूँ मैं देखें। अच्छा एक आंसर हो रहा है विमल शर्मा जी का, मालवा और गुजरात के रास्ता था, बिल्कुल राइट आंसर, अब है राइट आंसर, अब समझाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल उत्तर बताऊंगा मैं। राजकुमार कुमावत जी कह रहे हैं आर्थिक दृष्टि से मजबूत रियासत थी मेवाड़, क्या बात है, चलो समझो। देखो विद्वानों थोड़ा सा जी के आगे भी पढ़ो, मेवाड़ के इधर की तरफ क्या पड़ता था, गुजरात, और मेवाड़ के इधर की तरफ क्या पड़ता था, मालवा, ठीक है, इधर पड़ता था गुजरात इधर पड़ता था मालवा। और आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में तो बने हुए हैं बंदरगाह, ठीक है, और बंदरगाह का मतलब जल मार्ग से अगर आपको व्यापार करना है, जल मार्गों पर अगर आपको अधिकार करना है, व्यापारिक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर आपको अपना व्यापार मजबूत करना है तो कहाँ पे अधिकार करना पड़ेगा, गुजरात पे। तो जो भी दिल्ली का सुल्तान होता उसकी व्यापारिक दृष्टिकोण के हिसाब से, जल मार्गों पर अधिकार करने के हिसाब से, बंदरगाह जीतने के हिसाब से सबसे पहली नजर कहाँ होती, गुजरात पे, और दूसरी तरफ था मालवा, और मालवा था संपन्न राष्ट्र, और संपन्न किस क्षेत्र में था ये, तो ये था धन धान्य में, ठीक है, खेती बाड़ी में खूब पैदा होती थी यहाँ पे, और खूब पैदा होती है धन धान्य खूब होता है, तो लोगों को रहने में खाने में कर चुकाने में कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं थी। तो मेवाड़ के दोनों तरफ, एक तो गुजरात एक तरफ था मालवा, गुजरात व्यापारिक दृष्टिकोण के हिसाब से मजबूत था और मालवा कृषि के हिसाब से सामरिक महत्व रखता था। तो दिल्ली के तख्त पर जो भी बैठता उसकी नज़र होती विद्वानों, और उसकी नज़र होती गुजरात पर भी, और उसकी नज़र होती मालवा पर भी। अब मान लो दिल्ली के सुल्तान ने गुजरात पर हमला कर दिया, जीत भी लिया, मालवा पर भी हमला कर दिया, जीत भी लिया, लेकिन गुजरात और मालवा पर अगर आपको नियंत्रण रखना है तो बीच में एक स्टॉपेज ऐसा होना चाहिए जहां रहकर आप दोनों जगह बराबर नियंत्रण रख सको। तो यहां पड़ता था चित्तौड़ का किला, और कभी पढ़ो तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ओ गढ़ नीचो किम झुके, आ गया समझ में, कृष्ण जांगिड़ जी कह रहे हैं ओ गढ़ नीचो किम झुके, ऊंचो जस गिरवास, हर जाटे जोवर जटे, हर बाटे इतिहास। चित्तौड़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ऊंचाई पर बना हुआ है, लोग निवास करते हैं, दुर्ग के अंदर खेती होती है, तो इस दुर्ग में रहने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, इसलिए जब भी दिल्ली का सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठता तो गुजरात और मालवा पर अगर आपको लंबे समय तक शासन करना है,
लंबे समय तक अपने अधिकार में रखना है तो बीच में एक कंट्रोल रूम ऐसा बनाना पड़ेगा, एक नियंत्रक केंद्र ऐसा बनाने पड़ेगा जहाँ रहकर आप दोनों जगह पर नियंत्रण रख पाओ, और बीच का सेंटर था चित्तौड़। इसलिए दिल्ली के तख्त पर जो भी बैठता वो गुजरात और मालवा पर नियंत्रण रखने के लिए कहाँ पर अधिकार करना चाहता, चित्तौड़ पर। अच्छा एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, अब देखो बड़ा डीपली प्रश्न है, एक प्रश्न पूछता हूँ चलो मैं आपको भी यहाँ पर, कि आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, पद्मनी के टाइम, रतन सिंह के टाइम, मुगल वंश में अकबर ने किया था उदय सिंह के टाइम। आपको ये बताना है कि तुगलक वंश का एक राजा हुआ था फिरोज शाह तुगलक, और आपको ये बताना है कि फिरोज शाह तुगलक ने मेवाड़ के या चित्तौड़ के किस राजा पर आक्रमण किया था। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, और आपको ये बताना है कि फिरोज शाह तुगलक ने मेवाड़ के किस राजा पर आक्रमण किया था। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है अमीर सिसोदिया, अमीर सिसोदिया। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र सिंह। तीसरा ऑप्शन है महाराणा लक्ष सिंह यानी कि लाखा। और चौथा ऑप्शन है विद्वानों आपके सामने कुंभा, महाराणा कुंभा। बहुत सोच समझ के जवाब दो। देखिए आपको पता है कि खिलजी हंस गए, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने रतन सिंह पर आक्रमण किया, मुगल वंश के अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण किया। बताओ तुगलक वंश का किलो का सिरमौर, बताओ तुगलक वंश का वह कौन सा, फिरोज शाह तुगलक के टाइम चित्तौड़ का वह कौन सा राजा था जब इसके आक्रमण का इसने सामना किया। राजस्थान दिवस के दिन राजस्थानी भाषा में दो ये शानदार, अरे वाह क्या बात है, हैं क्या बात है, बिल्कुल सुनाएंगे। चलो बताओ प्रश्न का आंसर बताओ। बोले माई तेजा जी ये बता रहे हैं, वेरी गुड। भूपेंद्र पटेल जी ये बता रहे हैं, वेरी गुड। अरे जल्दी से जल्दी पहुंचा दो लोगों तक यार, ये ए बता रहे हैं, फटाफट बताओ। देखें क्या बात है, क्या बात है, अमीर 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 अमीर, ये बात ये बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ए बता रहे हो अमीर 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 अमीर, भूपेंद्र पटेल जी अमीर बता रहे हैं, क्या बात है दोस्तों, अमीर 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 अमीर, ये बात। राइट आंसर कि फिरोज शाह तुगलक ने मेवाड़ के जिस राजा पर आक्रमण किया था वो था अमीर सिसोदिया, और 1336 में किया था आक्रमण, और युद्ध लड़ा गया था सिंगोली का युद्ध। अरे कौन सा युद्ध लड़ा गया था, सिंगोली का युद्ध, ये ध्यान रखना, सिंगोली का युद्ध 1336 में लड़ा गया फिरोज शाह तुगलक अमीर सिसोदिया के बीच। अमीर सिसोदिया जीत गया था, और जीतते ही ये जो अमीर सिसोदिया था, इस अमीर सिसोदिया ने फिरोज शाह तुगलक को बंदी बना लिया था। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रतन सिंह पर, फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया अमीर सिसोदिया पर, और अकबर ने आक्रमण किया था उदय सिंह पर। ये सारी चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। चलो दोस्तों ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब एक प्रश्न और पूछता हूँ मेवाड़ के इतिहास का, आपको बड़ी गहनता से बताना है। और वो जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न ये है, ढंग से सुनना, कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खूब पढ़ा है आपने, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में, ढंग से सुनना प्रश्न मेरा, कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण, मैक्सिमम अटैक किस रियासत पर किए थे, किस रियासत पर किए थे। ऑप्शन है साहब, पहला ऑप्शन है मेरे दोस्तों मेवाड़ रियासत पर, दूसरा ऑप्शन है मेरे दोस्तों रणथंभौर रियासत पर, तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्तों जालौर रियासत पर, और चौथा ऑप्शन है मेरे दोस्तों जैसलमेर रियासत पर। सोच समझ के जवाब देना कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे ज़्यादा आक्रमण किस रियासत पर किए थे। जो ये बताएगा वाकई में इंटेलिजेंट है वो, राजस्थान दिवस के इस पावन मौके पर दिल जीत लेगा वो आज मेरा। बताओ देखिए अब फटाफट कमेंट करके बताना शुरू कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमले किस
किस रियासत पर की है? मेवाड़, रणथंबोर, जालोर, जैसलमेर। कमेंट करके बताओ। देखो सौरभ कुमावत जी कह रहे हैं, गुरुजी मेरा भी नाम लो, ले लिया दोस्त। बताओ देखे, एक बार जो लोग अपने सेशन से जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक कर दो, अधिकांश लोगों तक शेयर कर दो, ताकि जिन लोगों तक अभी हमारी ये प्रयास, हमारा ये जुनून जोश नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक ये पहुंच सके। बताओ देखे, जालोर, नवल किशोर जी कह रहे हैं जालोर, चिंटू राठौड़ जी बता रहे हैं बी, फंसोगे इस प्रश्न में 100%। भूपेंद्र पटेल जी भी बता रहे हैं, कृष्ण जांगिड़ जी भी बता रहे हैं, राधे श्याम मुंडोतिया जी सी बता रहे हैं, माई तेजा जी सी बता रहे हैं, विजय बंसाली जी भी बता रहे हैं, पीके चौधरी जी भी बता रहे हैं। क्या बात है यार, बी 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 भी बता रहे हो आप लोग। ना मुन्ना ना, गलत है। सोनू यादव जी भी बता रहे हैं, अरे यार, विजय बंसाली जी भी बता रहे हैं, पीके चौधरी जी भी बता रहे हैं, योगिता जायसवाल जी, और जालोर रियासत पर, ये बात त्रिवेणी खुशी जी सी सी सी। अरे क्या बात है दोस्तों, सभी दोस्त शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, भी बता रहे हैं। अब अगर पूछ लेना आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे ज़्यादा आक्रमण किस रियासत पर किए, तो मैं आपको बता देता हूँ, आगे खोल के समझना। देखो मेवाड़ में तो केवल आक्रमण कहाँ किया था, चित्तौड़ पर, और आक्रमण कब किया था, एक बार 1303 में, ठीक है, उसके अलावा कोई आक्रमण नहीं था मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी का। रणथंबोर रियासत में भी केवल एक ही बार युद्ध किया है मुख्य, आपने इंदू वलघाटी का युद्ध पढ़ा होगा, लेकिन वो आक्रमण थोड़ी किया था, सेनापतियों को समझाने भेजा था, और ये किया था 1301 में, एक ही बार हुआ है। अरे विद्वानों प्लस मूर्खों, रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने ज़्यादा आक्रमण नहीं किया, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जलालुद्दीन ने रणथंबोर के सहायक दुर्ग जैन को जीत लिया था, और जैन को जीतने के लिए जीतने के बाद बार बार रणथंबोर पर आक्रमण किया था, और जब बार बार आक्रमण किया, जीतने में असफल रहा, तब अताशोकर वहां से लौट गया, और लौटते समय जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो वो अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन जालोर रियासत पर दो बार आक्रमण किए। देखो जालोर में दो दुर्ग आते थे, एक तो आता था सिवाना दुर्ग, ठीक है, जैसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते थे, और एक आता था जालोर का किला। सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में, जालोर पर आक्रमण किया 1311 में, और फिर जैसलमेर पर भी एक बार ही किया था 1312 में, ठीक है ना। तो विद्वानों और विदुषियों जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपनी क्लास को देख रहे हैं, अब बताओ उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर आएगा सी सी सी, उत्तर क्या आएगा सी। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का अगर विजयक्रम पूछ ले, अलाउद्दीन खिलजी का अगर विजयक्रम आपसे पूछ ले, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले राजस्थान में जीता था रणथंबोर को, रणथंबोर के बाद जीता था चित्तौड़ को, चित्तौड़ के बाद जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को, सिवाना के बाद में जीता था जालोर को, और जालोर के बाद में जीता था जैसलमेर के सोनारगढ़ को, ठीक है। कब कब जीता, तो वो भी लिख देता हूँ नीचे विद्वानों, रणथंबोर को जीता 1301 में, चित्तौड़ को जीता 1303 में, सिवाना को जीता 1308 में, जालोर को जीता 1311 में, और जैसलमेर को जीता 1312 में। कई किताबों में जैसलमेर वाला 1292 में दिया हुआ है, लेकिन नहीं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अनुसार 1312 आएगा। आपने पढ़ा होगा कि चित्तौड़ को जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद, ठीक है, सिवाना को जीतने के बाद सिवाना का नाम बदल के कर दिया था खेराबाद, और जालोर को जीतने के बाद जालोर का नाम बदल के कर दिया था जलालाबाद। आई बात समझ में, और जैसलमेर का और रणथंबोर का कोई नाम नहीं किया था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कि अलाउद्दीन खिलजी का विजयक्रम अगर पूछेगा, तो पहले रणथंबोर से चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर, 1, 3, 8, 11, 12, चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद, सिवाना का खेराबाद, जालोर का जलालाबाद कर दिया नाम। तो ये होती है जीके, ठीक है ना।
रटने से करने से कभी पढ़ाई नहीं होती, मूल्यांकन करना आना चाहिए आपको। मूल्यांकन योग्यता जायसवाल सर सी बताकर अब 30 मार्च को आपका दिल जीत ही लिया। अरे वाह साहब योगिता जी, बहुत बहुत राजस्थान के, बिल्कुल राजस्थान के विद्यार्थियों का भी आप दिल जीतो। आने वाला राजस्थान दिवस आप अपने अपने स्कूलों में मनाओ, ये सब अपनों तो सही है गुरु जी। अरे बिल्कुल राधेश्याम जी, आपका गलत हो सकता है क्या? रहना है नहीं रहना राजस्थान में हमें हैं। तो विद्वानों ये सारी चीज़ें अपनों राजस्थान लिंगस आपसे जुड़ गए सब, अपनों तो सही है। इसमें साके कहाँ कहाँ हुए सर? सब जगह साके हुए हैं सब। रणथंभौर में भी साका हुआ है, ठीक है ना, चित्तौड़ में भी साका हुआ, सिवाना में भी साका हुआ, जालौर में भी साका हुआ, जैसलमेर में भी साका हुआ। तो पांचों के पांचों जगह साके हुए हैं, ध्यान रखना। उपेंद्र पटेल जी पूछ रहे हैं तो पांचों के पांचों जगह क्या हुए? साके हुए हैं। तो इसी प्रकार जीके को बड़ी रोचकता, गहनता, तल्लीनता और आत्मीयता से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद। बाकी जो क्लास है अपनी वो हम अगली क्लास में मिलते हैं, तो तब तक अगली जो क्लास है वो आपकी संस्कृत की क्लास है श्याम सर की, तो उस क्लास से भी आपको जुड़ना है। तो तब तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कुलधरा।